नमस्कार, आपका स्वागत है इंडिया पब्लिक खबर में और मैं हूँ अर्जिता। झारखंड के पाकुड़ जिले से दर्दनाक खबर सामने आई है। यहाँ बुधवार की सुबह एक भीषण सड़क हादसे में 16 लोगों की मौत हो गई। वहीं इस घटना में 26 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अमाड़ा पाड़ा में भर्ती कराया गया है। घायलों में से कुछ की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। ये दुर्घटना ट्रक और बस की आमने सामने की टक्कर में हुई। टक्कर के बाद दोनों ही वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक बस साहिबगंज से दुमका जा रही थी। सालपतरा के पास अनियंत्रित ट्रक ने बस में जोरदार टक्कर मारी। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए। जोरदार टक्कर की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और उन्होंने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से राहत और बचाव कार्य शुरू किया। दुर्घटना में पीड़ितों की पहचान के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। घटना पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया, लिट्टीपाड़ा अमाड़ापाड़ा सड़क पर हुई दुर्घटना की हृदय विदारक खबर से मन अत्यंत व्यथित है। परमात्मा दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान कर शोक संतप्त परिवारों को दुख की इस घड़ी को सहन करने की शक्ति दे। आशंका जताई जा रही है कि कोहरे के कारण ये हादसा हुआ है। ट्रक चालक को सामने आती हुई बस नहीं दिखी, उसने सीधे बस में टक्कर मार दी। जिस समय ये हादसा हुआ उस समय में बस में काफी लोग बैठकर सो रहे थे, इस कारण किसी को संभलने तक का वक्त नहीं मिला। बस में 40 से ज्यादा लोगों के सवार होने की जानकारी मिली है। अब तक 16 शव बरामद किए जा चुके हैं। बस के अंदर से लोगों को निकालने का काम अभी तक जारी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।